अब हम लोग हैं मेहंदीपुर बालाजी, और अब हम लोग यहाँ पर जो बालाजी के दर्शन करेंगे। और मैं, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये यह यहाँ पर, यहाँ से आप जाएंगे और यहाँ से हम लोग अभी आए हुए हैं। जो यहाँ पर आपका कमरे का है वो आपका 150 से 200 रुपये आपका लगेगा। आप यहाँ पर आराम से रुकिए, नहाइए धोइए, जैसे मैं अभी फ्रेश होकर के नहा धो करके आया हूँ और इसके बाद में हम लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो आप आराम से 200 रुपये में यहाँ पर कमरा ले सकते हैं। मैक्सिमम चार्ज आपका 200 रुपये और आपका कूलर एसी वाला कमरा पड़ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर बहुत ही सस्ता है कमरा। चलिए चलते हैं, दर्शन करते हैं चल करके। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए चलते हैं। पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ जो प्रेत बाधा से ग्रसित लोग आते हैं यहाँ पर। तो ये देख लीजिए आप, यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर लोग जो है वो बीड़ियों में जकड़ करके आते हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर लोग बीड़ियों में जकड़ करके आते हैं, ये देख लीजिए। और यहाँ पर अभी आरती का समय है, यहाँ पर आप श्रद्धालुओं की भीड़ देख सकते हैं, किस तरीके से श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है, ये आप देख सकते हैं। और जो मेहंदीपुर बालाजी हैं वो आपके राजस्थान में हैं, और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ चल करके, जब आरती हो रही है वहाँ पर भी दिखा देता हूँ, क्योंकि भीड़ काफ़ी है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं चल करके, ये देखिए। और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो मेहंदीपुर बालाजी हैं, यहाँ पर कई असाध्य रोगों जो हैं वो दूर होते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। और जब तक लोग देखते नहीं हैं अपनी आँखों से, तब तक उनको विश्वास नहीं होता है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो हम लोग चलते हैं मंदिर के अंदर, वहाँ चल करके देखते हैं, मंदिर में दर्शन करते हैं चल करके। तो ये देख लीजिए आप यहाँ पर, ये मंदिर है। तो चलिए सबसे पहले आप दर्शन कर लीजिए यहाँ पर। और दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं, ये देखिए यहाँ से आप बाहर आ जाएंगे। और तो चलिए मैं आपको, ये देखिए अब जो है वो हनुमान जी की जो है वो आरती चल रही है। और सबसे पहले यहाँ पर जो श्री राम जी की आरती हो रही थी, उसके बाद में हनुमान जी की आरती हो रही है यहाँ पर। आप भीड़ देख सकते हैं, कितनी खचाखच भीड़ है यहाँ पर श्रद्धालुओं की। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, मैं आपको जो अभी जो तीन पहाड़ी है वहाँ पर भी लेके चलूँगा, और जो अंजनी माता का मंदिर है वहाँ पर भी लेके चलूँगा। तो वीडियो में ज़रूर बने रहिए साथ में, शुरुआत से लेकर लास्ट तक देखिएगा, ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो सके। ये देख लीजिए आप यहाँ पर। और यहाँ पर जो है, जब आरती हो रही होती तो यहाँ पर पानी किंचा जाता है यहाँ पर, इसीलिए श्रद्धालु यहाँ पर खड़े हुए हैं। जो पानी किंचा जाएगा उसको लेने के लिए यहाँ पर काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आगे लग गए हैं। ये आप यहाँ पर देख लीजिए, और जय श्री राम ज़रूर कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं चल करके। ये आप यहाँ पर देख लीजिए, जय श्री राम, जय श्री राम। तो चलिए चलते हैं। ये देखिए छाछ राम, राजस्थानी घाट के छाछ राम। भाई ये मिलाते क्या क्या हो यार इसमें? जीरा नमक छाछ है। जीरा नमक छाछ, दही मतलब धनिया मक्का जौ, धनिया मक्का जौ सब मिलाते हैं उसमें। अच्छा भाई, पिलाओ भाई एक गिलास पिया जाए। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे चलते हैं पहाड़ी की तरफ। ये देख लीजिए आप यहाँ से, ये पहाड़ी का नज़ारा है, आप यहाँ से देख सकते हैं जो मेहंदीपुर, जो आपका कुछ इस तरीके का आपको पहाड़ से आपको दिखाई देगा। तो चलिए हम लोग और आगे चलते हैं, देखते हैं चल करके। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर रास्ते में आपको ढेर सारे मंदिर मिलने वाले हैं, ये देख सकते हैं ये नीचे की तरफ। मैं आपको मंदिर भी दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए, यहाँ पर आपको कई सारे मंदिर मिलेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। उनमें से मैं आपको कुछ जो मंदिर हैं वो आपको दिखा देता हूँ, जो मेन मेन मंदिर हैं यहाँ के, वो मैं आपको दिखाता हुआ चल रहा हूँ। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ शायद पितृपक्ष से रिलेटेड भी यहाँ पर कुछ है, आप देख सकते हैं, ये देखिए सामने आपके है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं, आगे चल करके देखते हैं। और यहाँ पर रुकने के लिए काफ़ी व्यवस्था है की गई है पहाड़ में, और आप वहाँ पर रुक करके कई सारी चीज़ें आप वहाँ ले सकते हैं। तो चलिए मैं आपको मेन मंदिर लेके चलता हूँ, ये देखिए यहाँ पर आप जो पूजा की सामग्री है वो यहाँ पर ले सकते हैं, ये देख लीजिए ये मंदिर है यहाँ पर। तो चलिए हम लोग, मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा जूम करके, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये देखिए मनोकामना हनुमान मंदिर, ये देख सकते हैं यहाँ पर। और हम लोग यहाँ पर
यहाँ पर जो है कई सारी जो चीज़ें थी वो मैं वीडियो में नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो प्रेत बाधा से रिलेटेड है वो मैं आपको पूरी तरीके से मैंने हटा दिया है इस वीडियो से, क्योंकि उससे बहुत सारी दिक्कतें हो सकती थी वीडियो में। तो चलिए मैं आपको और मेन मंदिर लेकर के चलता हूँ। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर यही मेन मंदिर है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले दर्शन कर लेते हैं चल करके। ये देख लीजिए आप। तो दोस्तों वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा जय श्री राम। तो चलिए हम लोग और आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको कई सारे स्टॉल लगे हुए मिल जाएंगे, आप वहाँ से कई सारी चीज़ें ले सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग दूसरे मंदिर चलते हैं, जो है अंजनी माता का मंदिर। यहाँ से थोड़ी दूरी पर ये मंदिर है, आप वहाँ पर जा करके देख सकते हैं। ये देख लीजिए आप यहाँ पर मंदिर माता अंजनी देवी जी। ये देखिए यहाँ पर स्टैचू टाइप में बनाए गए हैं पत्थर के। ये देख सकते हैं यहाँ पर महाराज केसरी जी, ये देख सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए मैं आपको सामने दिखाता हूँ। ये देखिए ये जो सामने बनाया गया है, ये आपका कैलाश पर्वत से रिलेटेड बनाया गया हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये देख लीजिए। तो चलिए हम लोग ऊपर चलते हैं, ऊपर चल करके देखते हैं कि किस तरीके का ये बना हुआ है। ये देख लीजिए, और यहाँ पर जो मूर्ति है वो हनुमान जी की मूर्ति काफ़ी बड़ी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ लास्ट में, क्योंकि यहाँ से दिखाई दे रही है। ये देख लीजिए, ये गुफा टाइप में बनाई गई है यहाँ पर, ये देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग नीचे की तरफ चलते हैं और देखते हैं चल करके। ये देखिए यहाँ पर जो मूर्तियाँ बनाई गई हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, और भगवान राम और माता सीता से रिलेटेड यहाँ पर मूर्तियाँ रखी हुई हैं। चलिए मैं आपको नीचे चल करके दिखाता हूँ। और जो मंदिर परिसर है वो काफ़ी अच्छा और भव्य है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देख लीजिए आप यहाँ पर, ये देखिए मीरा भाई। ये देख लीजिए आप यहाँ पर, ये देखिए माता सीता जी हैं यहाँ पर बैठी हुई हैं। और ये देखिए ये है हनुमान जी की जो मूर्ति मैं आपसे बता रहा था, ये यहाँ पर है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगे, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, और इसी तरीके की ढेर सारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।